जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। तो हर्ष संघवी को आपने सुना, उन्होंने जो जो ताज़ा अपडेट है और जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में अपडेट दिया। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी हर तस्वीर लगातार आप लोगों तक हम पहुंचा ही रहे हैं। अब ये जो घटना कल शाम को 6:30 बजे घटी थी, एक बार फिर से 5 तस्वीरों के जरिए जो कल का भयावह मंजर रहा है वो आपको दिखाते हैं और ये जो पूरी घटना घटी उसकी पूरी कहानी बयां करती ये 5 तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपके सामने। कल शाम 6:30 बजे से लेकर के अब जबकि सुबह के 8 बजने वाले हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैसे जनक ने आपको पहले बताया कि किस तरह से शुरुआती वक्त में तो जब तक सरकारी मदद पहुंच पाती, कोई टीम यहां पर रेस्क्यू की पहुंच पाती, तब तक जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और उसके बाद कैसे अलग अलग टीमें यहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पूरी रात वो ऑपरेशन चलता रहा। और अभी भी जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है या संभावना बची रह गई है कुछ लोगों की तलाश जो होना बाकी है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं और देखिए जो बोट है वो ज्यादातर आपको बीच में इसीलिए दिखाई देंगी क्योंकि बीच में जो गहराई है वो ज्यादा है, पानी वहीं पर ज्यादा गहरा है। अगर किनारे पर कोई गिरा होगा तो वो तो उस वक्त ही वहां से निकल गया होगा या शायद उसको जो बचाने का काम है वो अब तक पूरा हो गया होगा। लेकिन चूंकि बीच की गहराई नदी में सबसे ज्यादा रहती है, वो चाहे कोई भी नदी हो, जो दोनों किनारे हैं उधर की तरफ गहराई कम होती है और सबसे ज्यादा गहरा पानी अगर कहीं होता है तो वह नदी के बीचों बीच। और इसीलिए ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो तस्वीर आपके सामने है उसमें सारी बोट आपको बीच की तरफ ही दिखाई देगी, कुछ लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, लेकिन जो बोट है वो अभी सबसे गहराई वाली जगह पर अभी तलाशी अभियान चला रही है। तो मोरबी में हुए इस हादसे के बाद से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि ब्रिज पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केबल ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार मतलब छुट्टी का दिन होने की वजह से पुल पर 400 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से पुल बीच से ही टूट गया। ब्रिज टूटने के बाद जहां लोग नदी में गिरे वहां 15 फीट से ज्यादा पानी था। हालांकि कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर जरूर आ गए, लेकिन कई लोग पुल पर ही अटक गए जिन्हें किसी तरह वहां से रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि पिछले 6 महीने से इस केबल ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ रोज पहले ही 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल की मरम्मत का काम पूरा हुआ था और फिर दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। बिल्कुल, तो जैसा मेरे सहयोगी पूजा आपको बता रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन 24 तारीख की दिवाली थी और 25 तारीख को ये जो पुल था इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और पहले भी मैंने आपको बताया कि गुजराती नववर्ष दिवाली के अगले दिन ही शुरू होता है और उसी शुभ दिन पर इस पुल का शुभारंभ किया गया था, जो कि बीते 6 महीने से बंद था वो 25 तारीख को खोला गया और कल ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया। एक बार फिर से आयाज जरा तस्वीरें दिखा दीजिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी, कि किस तरह से अभी तक जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जनक बाकायदा वहाँ बोट पर बैठकर आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो नदी के किनारे के जो हालात हैं वो भी पहले जनक ने आपको दिखाए, मैं अब भी आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन अभी जो सबसे गहराई वाली जगह है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और टीमें तमाम इस वक्त वहीं पर जुटी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। और जनक भी वहीं बोट पर मौजूद है जो कि इस कोशिश में है कि आपको जरा वहां से भी जो स्थिति है वो दिखा सके, समझा सके। और पुल से नीचे की जो दूरी है, नदी की जो दूरी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से लोग नीचे गिरे, तो वो भी जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो जनक पहुंचा रहे हैं आप तक। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको